and welcome you with the Mirror. Now let's get you the latest from Uttar Pradesh, where a day after massive protests in Prayagraj, the house of one of the alleged masterminds of the violence has been demolished. Remember, the violence in UP was over the controversial remark on Prophet Muhammad by suspended BJP leader Nupur Sharma. Officials of the Prayagraj Development Authority have alleged that the accused Javed Ahmed's house was illegally constructed. Prayagraj police have said that the alleged mastermind of stone pelting has been arrested. His daughter has claimed that her father was picked up on Friday night without any notice or warrant. Total of 306 people have been arrested from different parts of Uttar Pradesh. Friday, my father was detained by Allahabad police and there was no warrant, there was no letter, there was nothing that the police came with. They just came and asked my father to come to the police station with them at around 12:30 a.m. at night. The police again came at my house and tried to detained my mother and my younger sister. My younger sister is just 19 years old and my mother is a diabetic patient. This is not just about my house and my family. It's happening to a lot of houses in Allahabad, a lot of Muslim houses in Allahabad, a lot of Muslim activists such as my father are being harassed, are being intimidated. Jo bone of contention hai isme, us vyakti ko, vyakti ka vyaktigat vichar tha, ye bata diya gaya. उसमें पार्टी की कोई सहमति नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार के आंदोलनों का कोई जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से पार्टी ने उसको संज्ञान में लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई और सरकार या पार्टी उनके विचार से सहमत नहीं है किसी भी हालत में। और हम सब धर्मों का समान रूप से आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हमने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था, बिना डिस्क्रिमिनेशन के सारी सुविधाएं उसी हिसाब से बांट रहे हैं। ऑलराइट, फॉर मोर ऑन दिस आई एम जॉइंड बाय मनीषा यादव ऑन द ब्रॉडकास्ट। मनीषा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी क्या हालात हैं इस वक्त प्रयागराज में, क्या कार्रवाई अभी भी चल रही है? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि सिर्फ जावेद का घर ही नहीं बल्कि जो आसपास के पड़ोसी हैं उनके घरों पर भी बुलडोजर चला है। देखिए, करीब ऐसे 37 लोगों की सूची तैयार की गई है जो इस मामले में आरोपी हैं। उन सभी का सर्वे किया गया है, उनकी जो अवैध इमारतें हैं उन पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। आज जावेद अहमद के घर से शुरुआत हुई है जो की कॉन्स्पिरेटर है। एक आरोपी अभी गिरफ्तार किया गया है, अली अहमद नाम का वो शख्स है जो अटाला मस्जिद का मौलवी बताया जा रहा है। उसे भी मुख्य साजिशकर्ता के साथ सहयोगी माना गया है। उसकी शह पर ही इतने सारे लोग अटाला मस्जिद के आसपास के इलाकों पर उमड़े थे और जिसने पथराव किया। और अटाला के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर अतिक्रमण की बात भी सामने आई है। तो कल प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी और नगर निगम मिलकर वहां पर भी अभियान चलाएंगे और इंक्रोचमेंट को जो है कब्जे से मुक्त कराएंगे। जी मनीष, एक और मैं आपसे बात जानना चाहती हूँ कि ये जो बुलडोजर जस्टिस का जो मॉडल है जो यूपी से फेमस होना शुरू और बाकी राज्यों में भी पहुंच गया है, इस केस में क्योंकि कहा जाता है कि कानून के तहत आपको नोटिस देना पड़ता है क्योंकि कई बार ये जो मॉडल है इस पर नजर पड़ी और कहा गया कि ये अनफेयर है, ये इनजस्टिस है। लोग किसी के भी आप शक के बेगुनाह उस पर बेपनाह पे आप नहीं किसी का घर तोड़ सकते हैं, लेकिन इस केस में किस तरीके की प्रक्रिया रही? क्या एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नोटिस दिया गया था डिमोलिशन करने से पहले? देखिए, एक जो नोटिस जावेद अहमद के घर पर चस्पा किया गया था 10 जून को, उस नोटिस में रेफरेंस दिया गया था कि 10 मई को एक पत्र भेजा गया था जिसमें आपको 10 मई तक पीडीए में आकर अपना जवाब दाखिल करना था कि आखिर आपने क्यों ये नक्शा अप्रूव नहीं कराया है। फिर उसके बाद 10 जून को नोटिस दिया गया कि 11 बजे तक, 12 जून को 11 बजे तक घर खाली कर दीजिए क्योंकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो जो पीडीए के अफसर है उनका कहना है कि लगातार नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन जावेद अहमद या उसके किसी परिजन ने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया, ना ही पीडीए
एनआईए में उस पत्र के जवाब में कोई जवाब दाखिल किया, तो ऐसे में एक ही विकल्प बच जाता है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाए, क्योंकि नक्शा अप्रूव नहीं था और बिना नक्शा अप्रूव किए दो मंजिला इमारत वहां बना ली गई थी। तो ये जो पूरी दलील पीडीए के अफसरों द्वारा दी जा रही है, और उनका कहना है कि कानून की प्रक्रिया के तहत जो पीडीए के नियम है उस कानून के तहत ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, पर्याप्त मौका दिया गया एक पक्ष को, लेकिन जब वो सामने नहीं आया, उसने अपना जवाब दाखिल नहीं किया, तब जाकर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए।